आईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को वाउचर्स के बारे में देखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिविजन करके आपको बता दे रहे हैं, जैसे जो कन्फ्यूजन वगैरह हो आप लोगों का सही हो जाए। देखिए, यही यही सीट है, यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और इसी की एंट्री हमें करनी है। इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप को बनाते समय आप HSN कोड भर देंगे और GST का परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, उसके बाद फिर आप कैटेगरी बना लीजिए। कैटेगरी बनाने के बाद गोडाउन बना लीजिए। गोडाउन बनाने के बाद यूनिट आप मेजर बना लीजिए। सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम बना दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुछ कठिन नहीं है, बस आप ध्यान से एक बार देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का बुक्स ओपन होगा। आप देखिए, जैसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति किताब ओपन कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना, यानी हम लोग की बुक्स यहाँ पर ओपन हो रही है। ओपन होने बाद सबसे पहला काम है अपनी कंपनी सेलेक्ट करना। अक्सर लोगों के साथ दिक्कत आती है, कंपनी बनाते हैं और अगले दिन कंपनी मिलती ही नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि आप कंपनी किस लोकेशन पे बना रहे हैं, ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए, यानी डी ड्राइव के किस फोल्डर के भीतर आपकी कंपनी है ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिलीट हो जाता है, ठीक, चूंकि एक ही कंप्यूटर को सुबह से लेकर शाम तक 10 बच्चे चलाते हैं, अगर डिलीट होने का डर आपको लग रहा है तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उसका बैकअप ले लीजिए। बैकअप लेने का मतलब उसी फोल्डर को पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लीजिए, या उसी फोल्डर को ईमेल पे भेज दीजिए, या उसी फोल्डर को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या उसी फोल्डर को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर, कहीं पर भी अपलोड करके रख देंगे तो अगर इनकेस आपका फोल्डर कोई डिलीट भी कर देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो है ये बन के तैयार। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम लोग करना क्या, हम लोग को सबसे पहले क्रिएट पे जाना है और स्टॉक ग्रुप पे जाना है। जैसे ग्रुप पे जाएंगे, यहाँ ग्रुप का नेम पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर केवल नेम पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें GST का फीचर इनेबल नहीं। अब अगर हम यहाँ पर F11 प्रेस करें, फीचर्स में आए और GST के फीचर्स को यस करें, ठीक है, ध्यान दीजिए, GST के फीचर्स को यस करने के बाद यहाँ पर हमको GSTIN नंबर भरना होता है अपना 15। ये हमारा GSTIN नंबर है और जैसे इसको कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं और इस फीचर को दोबारा कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं, ठीक है, इस फीचर को जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, यू बटन में यहाँ प्रेस करना है तो ये अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, ठीक, उसके बाद जब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रुप, ग्रुप कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक ग्रुप पर। ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ ग्रुप का नाम देना। तो अपने केस में जो सबसे पहला ग्रुप है, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप हमारा स्मार्टफोन के नाम से, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्मार्टफोन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे स्मार्टफोन। ये हमारा ग्रुप हो गया। ठीक, और यहाँ पर आपको करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। HSN कोड आपको दे देना है 8517, 8517 HSN कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, आप लिख देंगे स्मार्टफोन। ठीक, यहाँ पूछा जाएगा तो स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और GST करेंगे 18% और इसको कर लेंगे एक्स। इस तरह एक एक करके आप सारे ग्रुप को बना डालेंगे, सेम इसी पैटर्न बन जाएगा। ग्रुप बनाने के बाद सेकंड आपको कैटेगरी बना देना है। कैटेगरी आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहली कैटेगरी लेनोवो के नाम से, तो हम क्या करेंगे, लेनोवो के नाम से कैटेगरी, ये हो गया हमारा कैटेगरी, प्राइमरी में ही रखना है। कैटेगरी के बाद सेकंड चीज हमें क्या बनाना है, कैटेगरी के बाद हमें देना है यहाँ पर लोकेशन। ठीक, लोकेशन हमें बनाना है दो, शॉप और वेयर हाउस। तो अगर आप ध्यान दीजिए ना, गोडाउन पे जैसे ही आप जाएंगे ये बोलेगा, क्या बोलेगा, कि मेन लोकेशन पहले से है तो हमें मेन लोकेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए शॉप और दूसरा चाहिए वेयर हाउस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन का नाम चेंज करें। नाम चेंज करने के लिए अल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई। तो जैसे अल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ मेन लोकेशन लिखा हुआ आएगा और यहाँ लिख देंगे हम लोग शॉप। ठीक, फिर हम दोबारा गोडाउन पे क्लिक करेंगे और आएंगे क्रिएट न्यू पर और यहाँ पे हम बना देंगे वेयर हाउस। ये हो गया हमारा वेयर हाउस और इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक,
शॉप और वेयर हाउस बनने के बाद अब हमको क्या करना है, हमारा यूनिट ऑफ मेजर वो हमें बनाना है। देखो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको हम पीसेज में मेजर करते हैं, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, पीसेज है। तो हमें क्या करना होगा, यूनिट पे जाना होगा और यूनिट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे पीसेज, PCS। अगर फुल नेम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत उसकी नहीं है। यहाँ कर लेंगे पीसेज और पीसेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जीरो ही रहेगा और इसको हम कर लेंगे एक्स, ठीक। अब सबसे लास्ट में आपको बनाना है आइटम। आइटम बनाने के लिए स्क्रिप्ट से वापस आइए, आप चले जाइए स्टॉक आइटम पर, और जैसे ही स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जाएगा आइटम का नेम। तो पहला आइटम हमारा लेनोवो K6 नो, ये हो गया हमारा लेनोवो K6 नो, ये हो गया हमारा स्मार्टफोन का नाम। चूंकि ये एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए इसको हम स्मार्टफोन के ग्रुप में रखेंगे, ठीक। कैटेगरी लेनोवो सेलेक्ट हो जाएगा, यूनिट पीसेज हो जाएगा और इंटर इंटर करते हुए सबसे नीचे आए और यहाँ पे पूछा जाएगा क्वांटिटी। तो अपने केस में आप देखिए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दे रखी है वो है 4, रेट है 8,000 रुपये और इसको शॉप पे रखा है। सेम काम आप करेंगे, क्वांटिटी हो जाएगा 4, ठीक, शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, रेट हो जाएगा आपका 8,000। इंटर करके जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ये हमारा बन के तैयार। एक एक करके सारे आइटम को बना लेंगे। हमें नहीं समझ रहा इसमें कौन सी चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है। सबसे पहले ग्रुप बनाना है, फिर कैटेगरी बना लेना है, गोडाउन बना लेना है, यूनिट बना लेना है और सबसे लास्ट में आपको आइटम बना लेना है और एक एक करके सबकी एंट्री करनी है। तो अगर एक एक आइटम सही से एंट्री करेंगे तो सारा आइटम बन जाएगा। सब बनने के बाद आपको चेक कर लेना स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आपको ये जो 32,000 रुपये दिख रहा है यहाँ आपको 3,20,000 रुपये दिखाई देगा। यहाँ पे ग्रुप वाइज दिख रहा है, अगर आपको आइटम वाइज देखना है तो आप यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक कर देंगे तो दिखाएगा कि हमारे पास K6 नोट है, इसकी 4 क्वांटिटी है और ये 8,000 रेट है और 32,000 रुपये है। यहाँ गोडाउन हमारा नहीं शो हो रहा है, अगर गोडाउन भी हमें शो कराना है तो अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गोडाउन भी हमारा दिखने लगे। बस में आ रहा ना, फिलहाल गोडाउन से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा क्वांटिटी सही होना चाहिए, रेट सही होना चाहिए और वैल्यू सही होना चाहिए, ठीक है। तो यही तरीका है गोडाउन, यही तरीका है आइटम को क्रिएट करना, ठीक। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे करके आपका सब कुछ बन जाएगा ना, लेकिन कंसंट्रेट होके पेशेंस रख के आप करेंगे तभी हो, हड़बड़ी में जल्दीबाजी में नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया लास्ट जो डेट में जो हमने पढ़ाया था उसको हमने शॉर्ट रिविजन करा दिया। अब आज का क्लास जो है, आज की क्लास में सबसे मेन टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वो है बाउचर। देखिए बाउचर, तो सबसे पहले बाउचर के बारे में आप लोग पढ़िए। देखिए बाउचर क्या है, बाउचर देखा जाए तो बाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को होल्ड करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बस नया ट्रांजेक्शन क्या है, एक वैल्यू, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बाउचर में। जैसे हम लोग को पानी पीना होता है तो ग्लास की जरूरत पड़ती है, पड़ती है ना, तो ग्लास क्या करता है, ग्लास पानी को होल्ड करता है, ग्लास जो है पानी को अपने अंदर स्टोर करता है। उसी तरह बाउचर होते हैं, बाउचर क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को होल्ड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाउचर। बाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसा ट्रांजेक्शन वैसा बाउचर, अगर हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो परचेज बाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल्स बाउचर, किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट बाउचर, किसी से पैसा ले रहे हैं तो रिसिप्ट बाउचर, जैसा ट्रांजेक्शन वैसा बाउचर। समझ में आ रहा ना, जैसे आप लोग तरह तरह के जो है सेब के जो है बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, चाय पीना है तो कप का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, पानी पीना है तो ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तरह तरह की चीजें। उसी तरह ये ट्रांजेक्शन है, जैसा ट्रांजेक्शन होगा वैसा बाउचर आपको करना रहेगा। लेकिन बाउचर का प्रयोग करने से पहले आपको गोल्डन रूल याद होना चाहिए, ठीक है। गोल्डन रूल ये कहता है कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट है इसमें हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। जो हमारा रियल अकाउंट है उसमें जो कम होता है, जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करते हैं और सभी इनकम और गेन यानी प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। ये रूल हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। अब बाउचर के प्रकार देखिए, बाउचर देखिए हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक अकाउंटिंग बाउचर, एक है इन्वेंट्री बाउचर और तीसरा है पेरोल बाउचर।
तो पहले हम लोगों को अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग में देखा जाए सबसे पहले कंट्रा वाउचर होता है, ठीक। सेकंड है पेमेंट वाउचर, फिर है रिसीट वाउचर, फिर है जनरल वाउचर, फिर है सेल्स वाउचर, फिर है क्रेडिट लोन वाउचर, फिर है परचेज वाउचर, और सबसे लास्ट में हमारा डेबिट लोन वाउचर। इतने वाउचर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कर। आगे चल के जब इन्वेंट्री वाउचर पढ़ना होगा तो वहां पे हम लोग को परचेज ऑर्डर वाउचर मिलेगा, वहां पर हम लोग को सेल्स ऑर्डर वाउचर मिलेगा, वहां पे हम लोग को रिजेक्शन आउट मिलेगा, रिजेक्शन इन मिलेगा, स्टॉक जनरल मिलेगा, डिलीवरी नोट मिलेगा, रिसिप्ट वाउचर मिलेगा, फिजिकल स्टॉक वाउचर मिलेगा। ये सब वाउचर्स के नाम है, उनकी शॉर्टकट कीज। तो आगे चल के हमको इतने सारे वाउचर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम एक एक करके वाउचर को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एक एक दिन में एक एक वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें हर वाउचर का प्रयोग समझ में आने लगे। अब सबसे पहले देखिए बिजनेस सिनेरियो बनाया गया है। बोला गया मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया गायत्री मोबाइल्स, ठीक। विद कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख रुपए की पूंजी के साथ, हमने 20 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक दुकान खोला, उस दुकान का नाम रखा गायत्री मोबाइल, और उसमें हमने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। द कंपनी डील इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन, हमारी कंपनी डिफरेंट तरीके के मोबाइल फोन के ब्रांड में डील करती है। द कंपनी मेक फ्रिक्वेंट परचेज फ्रॉम आर्किटेक्टर्स, हम आर्किटेक्टर से परचेज करते हैं। एंड द बिगेस्ट कस्टमर इज सूर्या मोबाइल, और जो सबसे अच्छा कस्टमर हमारा, सबसे बड़ा कस्टमर है वो हमारा सूर्या मोबाइल। द कंपनी हैज ए करंट अकाउंट इन SBI फॉर बिजनेस पर्पज, कंपनी ने स्टेट बैंक में एक अपना करंट अकाउंट खोल रखा है बिजनेस पर्पज के लिए, बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने के। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला वाउचर हम लोगों को पढ़ना है रिसिप्ट वाउचर। सबसे फर्स्ट वाउचर क्या है? रिसिप्ट वाउचर। देखिए बिजनेस में अगर किसी भी प्रकार से मनी रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो पैसा कैश के रूप में आ रहा है ना, चाहे ऑनलाइन आ रहा है, अगर किसी भी मोड में, किसी भी माध्यम से, किसी भी रीजन से हमारे बिजनेस में पैसा आता है, उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी। लिखा है चाहे वो हम मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक के अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में हमें एंट्री करना होता है। बिजनेस में अगर पैसा आया तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। मान लीजिए कि हमने किसी कस्टमर को सेल किया, उसके बदले उसने हमें पैसा दिया, तो भी हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। हमें कहीं से रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है, तो भी रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है तो भी रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। यानी किसी भी माध्यम से, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर बिजनेस में पैसा आएगा उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर करनी होगी। यानी सीधा सा फंडा है, मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री हमें क्या करनी होगी, रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। सीधा सा कंसेप्ट। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो कहीं से आए, किसी भी माध्यम से आए, किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से आए, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर बिजनेस में मनी रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 को मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इंटू बिजनेस एज कैपिटल, यानी पुष्कर ने 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाया। बस में तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये 20 लाख रुपए क्या है, बिजनेस में आ रहा है। भाई मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसका मतलब मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। और बिजनेस में कभी भी पैसा अगर आएगा, बिजनेस में कभी भी किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में अगर पैसा आ रहा है, तो हमें इस्तेमाल करना होगा रिसीप्ट पर। बस में आया? ध्यान देखिए इसको लिखते हैं रिसिप्ट, RECEIPT रिसिप्ट, लेकिन पढ़ते इसको रिसीट, इसे पढ़ते हैं रिसीट वाउचर, ठीक है। लिखते हैं रिसीट वाउचर। अच्छा इस वाउचर का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डबल एंट्री मोड में और दूसरा है हमारा सिंगल एंट्री। हम दो तरीके से कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो चलिए पहले हम इस वाउचर के पास पहुंचते हैं। वाउचर के पास हम जाएंगे कैसे, अभी तक देखिए जैसे ही हम कोई कंपनी में काम करते हैं, देखो पुरानी कंपनी को हमने Ctrl+F3 से क्लोज कर दिया, अपनी रियल कंपनी में हम आ जा रहे हैं, जिस कंपनी में हमको वर्क करना है, ये आप लोगों की कंपनी है, ठीक। हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ साइड में देखेंगे तो सारे वाउचर दिए गए। देखिए
ये एफ सिक्स से क्या दे रखा है? रिसिप्ट वाउचर। ये एफ सेवन से जनरल वाउचर। ये एफ एट से सेल्स वाउचर। ये एफ नाइन से परचेज वाउचर। तो जो मेन मेन वाउचर वो आपके सामने दे रखा है, उसके अलावा जो वाउचर हैं अगर हमें उन्हें देखना है तो हम अदर वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे कुछ वाउचर हमारे सामने और दिखने लगेंगे। बस गया, जैसे परचेज सेल्स रिसिप्ट ये सब तो पहले से दिख रहा था। क्रेडिट नोट हमें दिखेगा, डेबिट नोट हमको दिखेगा, जनरल वाउचर हमें दिखेगा, फिजिकल स्टॉक वाउचर हमें दिखेगा, स्टॉक जनरल वाउचर दिखेगा, और सबकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपको दिखाई। इसके अलावा कुछ ऐसे वाउचर है जो इनएक्टिव हुए, अगर उन्हें देखना है तो जैसे सो एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे ये भी हमको दिखाएगा। अब देखिए ढेर सारे वाउचर हमको दिख रहे हैं। बस मैं यानी अगर हमें किसी वाउचर में जाना है तो वाउचर की शॉर्टकट कीज आपको जो है राइट साइड के पैनल में दे रखा है। समझ में आया ना? ये सब सब वाउचर हमारे काम के। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है यह 4 से कंट्रा वाउचर, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह 5 से पेमेंट वाउचर है, यह 6 से रिसिप्ट वाउचर है, फिर यहाँ पे जनरल वाउचर है, फिर यहाँ पे सेल्स है, परचेज। इसके अलावा भी अगर हमें वाउचर देखना है तो यहाँ पे दे रखा है। जैसे अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे हमें कुछ वाउचर्स और दिखाई देंगे, जैसे क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, फिजिकल स्टॉक वाउचर है, स्टॉक जनरल वाउचर है। इन सबका अलग अलग यूज है, जहां पर हमको जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे वाउचर का हम इस्तेमाल। बस मैं भाई, हम लिक्विड चीज खरीदने जाते हैं तो हमें डिब्बे की जरूरत है, क्यों? कहीं दूध लेने जा रहे हैं हमें क्या डिब्बे की जरूरत पड़ेगी? पानी लेने जा रहे हैं तो डिब्बे की जरूरत पड़ेगी? वहां झोला लेकर थोड़ी जाएंगे, क्यों? और कुछ बहुत चीज देना है तो वहां डिब्बा लेकर नहीं जाएंगे, क्यों? आलू खरीदने जा रहे हैं तो सीसी लेके जाएंगे, डिब्बा लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, सीसी बोतल लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। वहां क्या, वहां सॉलिड चीज है तो झोला लेके जाएंगे, और ज्यादा खरीदना है तो बोरा लेके जाएंगे, क्यों? यही है ना, जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी वाउचर का प्रयोग करना। खरीद रहे हैं तो पर्चे आप देखो, इनमें कुछ ऐसे वाउचर जो इनएक्टिव मोड में, उन्हें देखना है तो सो एक्टिव पे क्लिक करेंगे, कि सारे वाउचर सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, कि सारे वाउचर आपको दिखा रहे हैं। ओके, अभी एक सिलेक्ट हो गया है इसलिए ऐसा दिखा। थोड़ा सा हम इसके बटन से वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद हम देखिए यहाँ जाते हैं अदर वाउचर। अदर वाउचर पे सारे वाउचर की लिस्ट में दिखाई देगी, और यहाँ पे सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे सारे इनएक्टिव वाउचर भी हमको दिखा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए रिवर्सल जनरल है, मेमोरेंडम वाउचर है, डिलीवरी नोट वाउचर है, मटेरियल इन वाउचर है, मटेरियल आउट वाउचर है, रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट है, ढेर सारे वाउचर्स दिए। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वाउचर को सीखेंगे। ठीक, आज की क्लास में लोगों को क्या सीखना है? आज की क्लास में लोगों को देखना है रिसिप्ट वाउचर बारे में, जिसकी शॉर्टकट की है F6। यही वाउचर आज हम लोगों को ओपन, तो जैसे रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। कैसे पहचानेंगे? सबसे साइड में यहाँ वाउचर का नाम दिया होगा और यहाँ वाउचर का नंबर दिया। अगर इस वाउचर में पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस वाउचर का नंबर होगा 1, फिर सेकंड वाले का 2, फिर थर्ड वाले का 3। ऐसे ये क्रम चलता है, रिसिप्ट का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसलिए फर्स्ट यहाँ पे दिख। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन। देखिए सबसे पहले क्या है, अब इसका मोड हमें देखना है। इसमें दो मोड दे रखा है, एक डबल एंट्री मोड और एक सिंगल एंट्री मोड। तो देखिए जैसे रिसिप्ट वाउचर आप ओपन करेंगे ना, यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल एच, एच के नीचे डबल लाइन, यानी कैसे इस्तेमाल होगा? कंट्रोल के साथ। हमने शुरू में आपको बताया था किसी भी अक्षर के नीचे अगर सिंगल लाइन है तो वर्ड के साथ, और डबल है तो कंट्रोल, यानी अगर हमें मोड चेंज करना है तो क्या करता है? चेंज मोड पे जाएंगे। जैसे हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो दिख रहा है, या तो डबल एंट्री या तो सिंगल। देखिए जैसे हम यहाँ पे सिंगल एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे ये, तो हमारा सिंगल एंट्री मोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका फॉर्मेट देखो अलग है, इसमें सबसे पहले अकाउंट पूछा जा रहा है, नीचे पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, इधर हमारा अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी ऊपर अकाउंट है, पर्टिकुलर है, और फिर यहाँ पे क्या है, अमाउंट। और अगर हमें डबल एंट्री मोड पे जाना है, हम चेंज मोड पे जाएंगे और डबल एंट्री मोड पे कर देंगे, ये हमसे पूछेगा डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। बस नया, यानी एक ही काम को करने के दो तरीके, चाहे आप उस ट्रांजेक्शन को सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करें, चाहे उस ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर। दोनों में से किसी एक तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। देखो डबल एंट्री मोड हम उस कंडीशन में करते हैं जहां एक साथ में कई खाते को डेबिट करना हो और कई खातों को क्रेडिट।
कंपाउंड जमीन के लिए, और सिंगल इंटीरियर का वो हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां हमें एक ही खाते को क्रिएट करना हो और एक से अधिक खाते डेबिट। ठीक है, तो चलिए अब इन लोगों को, सबसे ज्यादा यूज होता है डबल एंट्री मोड का ना, प्रोफेशनल लेवल पे जहां भी आपको काम करना होता है वहां पे डबल एंट्री मोड ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़े, तो गोल्डन रूल के हिसाब से हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से पता है, इसलिए डबल एंट्री मोड में हम आपको काम करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्रेडिट और डेबिट पूछा जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन में। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, फिर वाउचर पर, फिर F6 से रिसिप्ट वाउचर पर, और कंट्रोल एच बटन दबा के मोड हम चेंज करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डबल एंट्री। तो हम आ गए यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पे चेंज मोड में, और यहाँ पे आ गए डबल एंट्री में। डबल एंट्री हमें कुछ इस तरीके से दिखाया। ठीक, अब देखिए ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में एज ए कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आप लोग जनरल एंट्री में पहले से बहुत कई बार किए हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट और कैश के अकाउंट को करते हैं डेबिट। जनरल एंट्री पढ़े हैं ना, वहां क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही जनरल एंट्री होती थी ना, तो वही एंट्री सेम हमको करनी है। बस फर्क क्या है, वहां पे एंट्री हम उस पे करते थे, कॉपी पे करते थे, और यहाँ पे एंट्री हमें क्या करना है, सिस्टम में करना है, लेजर्स बना के, यानी एंट्री वैसी तरीके से करना है। बस फर्क है कि वहां पे हम लोग कॉपी में एंट्री करते थे और यहाँ पे हमको टैली सॉफ्टवेयर के वाउचर में एंट्री कर, बस। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैपिटल के अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप कैपिटल अकाउंट बनाइए या फिर प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट बनाइए, दोनों का मतलब सेम, चाहे आप प्रोपराइटर कैपिटल बनाइए या फिर कैपिटल अकाउंट बनाइए, दोनों चीजें सेम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पूछा जा रहा क्रेडिट, तो क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल। तो हम यहाँ देखेंगे क्या कैपिटल का खाता कोई बना है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं बना है ना, कैपिटल के नाम से कोई खाता बना है, नहीं बना है। अच्छा आप लोग बनाए थे अपने में, हाँ ये देखो नीचे प्रोपराइटर कैपिटल के नाम से, सही है ना, पहले से बना, हमारे वाले में बना है प्रोपराइटर कैपिटल के नाम से, पहले से खाता बना हुआ है, हम इसी खाते को सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद अब बिजनेस के मालिक ने कितना पैसा लगाया, 20 लाख रुपए। तो देखो पहले कितना बैलेंस था, 10 लाख 12 हजार, यानी पिछले साल का कैपिटल कितना था, 10 लाख 12 हजार बैलेंस शीट में दिया गया है, 20 लाख बिजनेस के मालिक ने अभी इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, अच्छा 30 लाख 12 हजार, 10 लाख 12 हजार कैपिटल पहले से था, 20 लाख अभी इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे हम यहाँ 20 लाख रुपये भरेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ 20 लाख रुपये भरेंगे तो यहाँ तुरंत हो जाएगा करंट बैलेंस 30 लाख 12 हजार। क्यों? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में पुराना कैपिटल हमारे पास था 10 लाख 12 हजार, और 20 अभी मालिक ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और हम डेबिट कर देंगे किसको, कैश, ठीक, और कैश को डेबिट करने के बाद यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, ठीक, और लिखने के बाद हम यहाँ पे, हाँ लिखना अपनी मेमोरी के लिए जरूरी है, अगर कल को हम ट्रांजेक्शन भूल जाए, ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, तो नरेशन देखकर हम बता देंगे एक्चुअल में इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। इस तरह से पहला ट्रांजेक्शन हमारा सेव हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आपको देखो सबसे पहले कहाँ पर आना है, सबसे पहले आपको आना है बाउचर पे, बाउचर में आने के बाद यहाँ से F6 बटन दबा के रिसीव बाउचर खोल लेंगे, फिर आप चेंज मोड पर आ जाएंगे और यहाँ कर लेंगे डबल एंट्री। ठीक, कुछ लोगों में ऐसी भी दिक्कत आएगी कि यहाँ 2Y लिखा हुआ है, अगर आपके में 2Y लिखा हुआ आएगा तो आप कन्फिगर में जाइए और क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को कर लीजिए यस। देखिए अगर इसको हम नो कर देना, नो करके कंट्रोल इसे सेव करें, यहाँ देखिए 2 2 लिखा हुआ है, बात समझ में आया ना, अब 2 और 2Y आएगा, तो 2Y हमको समझ में आता नहीं है, हम लोग डेबिट क्रेडिट सीखे हैं, तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए डेबिट और क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, हम कन्फिगर में जाएंगे और यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2Y, इंस्टेड मतलब बजाय, यानी हम क्या करना चाहते हैं, हम 2Y के बजाय पर, 2Y के स्थान पर क्रेडिट और डेबिट का इस्तेमाल करना चाहते, यूज क्रेडिट डेबिट इन स्टेड ऑफ 2Y, यानी 2Y के स्थान पर हमें डेबिट और क्रेडिट चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे यस।
और जैसे इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे, तुरंत यहाँ डेबिट क्रेडिट हमसे पूछे। सबसे पहले क्रेडिट पूछा जाएगा तो यहाँ प्रोपराइटर कैपिटल सेलेक्ट कर देंगे, अमाउंट भर देंगे 20 लाख रुपए, ठीक है, और डेबिट कर देंगे कैश को 20 लाख रुपए से, और नरेशन वहां पे भर देंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, यानी प्रोपराइटर के द्वारा कैश इन्वेस्ट किया गया। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए अच्छी बात है। अब स्केप से हम वापस आएंगे, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन। अब देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन, इसमें क्या दे रखा है? लिखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹245। हमारे ऑफिस में जो पुराने न्यूज़पेपर आते थे उस न्यूज़पेपर को हमने सेल कर दिया, लिखा ना सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। बस में आया क्या लिखा है? सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी पुराने न्यूज़पेपर को हमने क्या किया? सेल कर दिया। तो देखो बिजनेस में ऐसे छोटे छोटे इनकम के लिए, जैसे मान लो न्यूज़पेपर हो गया, गत्ता हो गए, या किस कोई स्क्रैप हो गया, कोई कबाड़ वगैरह चीज हो गई जो हमारे बिजनेस में यूज के लिए नहीं है, हम उनको क्या करते हैं? टाइम टू टाइम सफाई करके उसको सेल कर देते हैं, कबाड़ी वाले ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे जो भी इनकम जनरेट होती है उनके लिए हम एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं सन्ड्री इनकम। सन्ड्री शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। तो बिजनेस के छोटे 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 इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, मान लो गत्ता हमने सेल कर दिया, हमें कुछ इनकम मिल गई ना, हमारे पास कुछ बेंच के टूटे हुए टुकड़े थे उनको हमने सेल कर दिया, लोहे का कोई पुराना टुकड़ा पड़ा था जिसका कोई यूज ही नहीं उसको सेल कर दिया, कोई कुर्सी है टूट गई है जो बनने की हालत में नहीं है हमने उसको कबाड़ में सेल कर दिया। इस तरह जितने भी स्क्रैप है हमारे पास उनको अगर हम सेल करेंगे उससे हमारी इनकम आए आएगी ना, उससे हमको पैसा मिलेगा। उन इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम होगा सन्ड्री इनकम। और ये हमारे बिजनेस का क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है। इसलिए सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना है, उस लेजर का नाम दे देंगे सन्ड्री इनकम और उसका ग्रुप दे देंगे इनडायरेक्ट। तो चलिए जैसे हम वाउचर में आएंगे सबसे पहले पूछा जाएगा क्रेडिट, और आप लोग जानते हैं कि गोल्डन रूल आपको ये कहता है कि सभी इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करिए, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सन्ड्री इनकम को। तो हम यहाँ बनाएंगे सन्ड्री इनकम, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। बस में आ रहा ना? टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, एडिशनल कॉस्ट नॉट अप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट अप्लीकेबल, और ये जीएसटी भी हमारा पूछा जाएगा, इसको भी हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेल। कितने रुपए का? 245, हम यहाँ भर देंगे 245। अच्छा सोचो, जब हमने न्यूज़पेपर सेल किया होगा तो कबाड़ी वाले ने हमको पैसा दिया होगा ना, अब ये तो करेगा नहीं कि 245 रुपये का चेक बना के देगा, क्या दिया होगा? कैश ही तो दिया होगा, यानी बिजनेस में कैश आएगा। और आप रूल पढ़े हैं कि कैश एक रियल अकाउंट है, और जो रियल अकाउंट बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैश को करेंगे डेबिट। इनकम के खाते को करते हैं क्रेडिट, इसलिए यहाँ इनकम के खाते को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो पूरा गोल्डन रूल पर ही आधारित है, अगर रूल याद नहीं होगा तो ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए अगर ट्रांजेक्शन अच्छे से रिकॉर्ड करना है तो रूल याद रखना बेहद जरूरी। ठीक, अब हम यहाँ डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद कैश के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दो ट्रांजेक्शन हो गया। सेम इसी तरह से हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन है। तीसरा ट्रांजेक्शन बोला जा रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹1500, 1500 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट, एसबीआई के करेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ आप ₹1500, 1500 रुपए ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट, एसबीआई के करेंट अकाउंट। हमारा बैंक में करेंट अकाउंट था, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। तो आप बताइए अगर बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस? इनकम। और चूंकि ये इनकम हमारे सेल्स से संबंधित नहीं है, ये हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको हम मानेंगे इनडायरेक्ट इनकम। देखिए हमने ये मोबाइल खरीदा 500 में, बेचा 700 में, 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, ये हमारे बिजनेस के डायरेक्ट इनकम। यानी हमारे बिजनेस में गुड्स की परचेज और सेल से जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा जो इनकम हमारी जनरेट होती है, कहीं से रेंट मिल रहा है, कहीं से कमीशन मिल रहा है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है,
इसके अलावा अगर कोई इनकम हमको मिलती है वो हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम, यानी अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा अगर कोई इनकम है तो हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम। बस समझ आया? हमारी सपोज करो किराने की दुकान, हम सामान को खरीदते और बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमारी डायरेक्ट इनकम। लेकिन हमने अपने दुकान के ऊपर एक रूम बनवा रखा है, उसको हमने किराए पे दे दिया किसी किराएदार, उससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी, जरा से ठीक है। तो ये इनकम हमारी क्या होगी, ये इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। अरे मेम साहब हमारी है, अभी नहीं उठाएंगे तो शाम को चाय पानी नाश्ता सब बंद, ये भी समझते हैं ठीक है, इसलिए उठाना जरूरी रहता है। हाँ हाँ भैया ठीक है, क्या क्या बोल, किस दिन, ध्यान देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इनकम का अकाउंट बनाना है ठीक। इनकम का अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें एक बनाना पड़ेगा खाता, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, जितना भी हमारे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा सब हम इसी खाते में बनाएंगे, रिकॉर्ड करें। तो हमने एक अकाउंट बना लिया बैंक इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, अल्ट सी से हम इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट इसका नाम दे देंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव ठीक है अकाउंट। और ये हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, एडिशनल कॉस्ट नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और जीएसटी को भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि बैंक से जो हमें हमको इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता, और इसको हम करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 1500 रुपये, तो हम इसको कर देंगे 1500 रुपये। और ये 1500 रुपये एक्चुअल आएगा कहाँ से, हमारे बैंक खाते में आएगा, बैंक जो हमको इंटरेस्ट देगा, ऐसा तो है नहीं कि बैंक हमको इंटरेस्ट का चेक बना के देगा या ऐसा कहेगा आज शाम को आ जाइए आपको इंटरेस्ट देना है, ऐसा नहीं होगा ना। अगर बैंक को कोई चार्ज काटना होता तो हमारे खाते से काट लेता है, कोई इंटरेस्ट देना होता तो हमारे खाते में ला के जोड़ देता है ऑटोमेटिक, बस समझ आ रहा है ना। तो हम यहाँ डेबिट किसको करेंगे, हम डेबिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट, तो हमारा करंट अकाउंट एट SBI लिखा है, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे चेक नंबर वगैरह पूछा जाएगा, कुछ नहीं भरेंगे, और इसको केवल आपको कर देना है सेव, बस जैसे इसको सेव करेंगे ये एंट्री आपकी हो जाएगी सेव, बस समझ आएगा। उसके बाद बस इतना ही रहने दें, कितना है, चलो अच्छा रहने दें इतना ही। कितना ट्रांजेक्शन आज हुआ है, अच्छा बस 3 ट्रांजेक्शन, सोचो अगर 5-5 मिनट भी लगेगा तो 15 मिनट में आप लोग का हो जाएगा। लेकिन सुनो आज सबको बराबर आ जाना है ना।